वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के दो, क्योंकि मेरे हस्बैंड आज घर पे हैं तो उनका आज नाइट ऑफ है। तो गाइस जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं ना, आप लोग ये सब टर्म्स तो सीख ही लो। मतलब नाइट ऑफ का मतलब ये होता है कि कल उनकी नाइट शिफ्ट थी और आज वो घर आए हैं मॉर्निंग में, तो उनकी नाइट ऑफ है। तो गाइस अगर आप ये सब टर्म्स नहीं भी सीखना चाहते तो मैं क्या करूँ, नहीं जानना चाहते तो मत सीखो। मुझे क्या है, मैं तो हर ब्लॉग में इसी तरह से बोलकर निकल लूँगी, फिर आप सोचते रहना कि भाई ये बंदी क्या बोलकर निकल ली, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तो वो सो रहे हैं तो मैं भी ब्रेकफास्ट करने के बाद ना सो गई। सोची कि चलो कुछ काम तो है नहीं तो क्या काम कर लूँ, तो चलो सोना ही काम कर लेते, तो इसलिए मैं सो गई थी। तो अभी मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी, तो मैं सोची कि चलो क्यों ना मैगी बनाया जाए। क्योंकि अभी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं लंच अभी की नहीं हूँ, मतलब लंच तभी मैं करती हूँ आज के दिन क्या, जब भी मेरे हस्बैंड होते हैं घर पर उस दिन हम दोनों साथ ही करते हैं। तो अभी वो सो रहे हैं तो मैं उन्हें भी डिस्टर्ब करना चाहती हूँ, तो मैं सोची कि चलो क्यों ना कुछ इंटरेस्टिंग सा, कुछ अच्छा सा बनाकर खा लूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैगी बना लेती हूँ। मतलब इंस्टाग्राम पे जस्ट मैं चेक कर रही थी ना, तो वो मुझे दिख गया, मैंने ना मैगी बहुत दिनों से नहीं खाया पता है सच में। मतलब मुझे लगता है कि 3 हफ्ते तो हो ही गए होंगे पक्का, सच में 3 हफ्ते हो गए होंगे। इसलिए मुझे ना बहुत मन कर रहा है मैगी खाने का, तो मैं जाती हूँ जल्दी से बनाकर आती हूँ। ओके तो गाइज मैं अब फाइनली किचन में आ चुकी हूँ और मैंने आज डिसाइड किया था, मतलब मैं जब सोई थी ना तभी मुझे मन कर रहा था कि मैं खाऊँ भी अगर मैगी तो सारे वेजिटेबल्स वगैरह डालकर। तो मैंने लिया है शिमला मिर्च, जिसे कहते हैं कैप्सिकम, बीन्स और टमाटर और अनियंस और ग्रीन चिली, बस ये 4 सब्ज़ियाँ डालकर मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए मैगी। और मेरे साथ ऐसा क्या होता है ना कि मतलब जब भी मेरे हस्बैंड मेरे साथ खाते हैं ना, तो उनको ना मतलब ये सारे वेजिटेबल्स को डाल करके खाना बहुत पसंद नहीं है उन्हें। तो मतलब खा लेते हैं नॉर्मली, लेकिन उनको उतना पसंद नहीं है। तो जब भी वो मेरे साथ होते हैं तो मैं रेयरली ऐसा बना पाती हूँ कि सारे वेजिटेबल्स डालकर बनाऊं। तो बट आज मैं हूँ अकेले, तो इसीलिए मतलब मुझे सिर्फ अपने लिए ही बनाना है, तो इसलिए मैं पूरे वेजिटेबल्स वगैरह डालकर बना रही हूँ। और जब मैं उन्हें बताऊँगी ना कि हाँ मैंने आज मैगी खाया आपके सोए में, तो वो आज सच में मुझे बहुत डांटने वाले हैं कि भाई तुम उसकी अकेले क्यों खा ली, मुझे भी खिला देती, मैं भी 2-4 बाइट खा लेता। सच में आज उनको बहुत अफसोस लगने वाला है जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैगी खाया मैंने। लेकिन हाँ, जब मैं बताऊंगी कि मैंने सारे वेजिटेबल्स डाल करके खाया, तब उन्होंने बोलोगे तब तो सही किया तुमने कि मुझे बताया नहीं तुमने कि भाई तुम मैगी बना रही हो, वरना मेरा मूड ही ख़राब हो जाता। तो गाइस आप में से कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब ऐसे कौन मेरे व्यूअर्स हैं जो मैगी लवर्स हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों में से किस किस को मैगी पसंद है। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसे होंगे जिन्हें मैगी खाना पसंद नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग होंगे ना, सबको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में यह होता होगा कि जिन्हें मैगी नहीं पसंद होगा। उनमें से एक है मेरा नमूना भाई, उसे मैगी बिल्कुल पसंद नहीं है। बताओ क्या बात है भाई। तो मैगी अभी बन रही है, बस 2 मिनट और लगना है। तो एक्चुअली मेरे साथ क्या है ना यार, मतलब मैं बहुत बार ये सोचती हूँ कि मैगी मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी। वैसे मैं ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत ही खाती हूँ। जब मैं मतलब जज्बाती हो जाती हूँ ना तभी खाती हूँ। तो मतलब क्या है ना कि 100 करोड़ के बाद ना मैं अपने जज्बात को संभाल नहीं पाती हूँ, मैं तो मतलब खा ही लेना उस दिन। अगर मेरे घर वाले भी होते या तो ये हरगिज़ नहीं हो पाता। ये वीडियो वो लोग देखेंगे तो ज़रूर मुझे 2-4 गाली ज़रूर देंगे, बट ठीक है कोई बात नहीं, चलता है मैगी के लिए, इतना तो चलता ही है यार। तो चलिए देखते हैं मैगी, क्यूट क्यूट सी मैगी कितनी सुंदर लग रही है। ये लाल पीली हरी नीली, मतलब मस्त, कितनी सुंदर सजी धजी सी लग रही है, मेरे पेट में जाने के लिए रेडी है बिल्कुल। तो हाँ मैं बता रही थी कि अगर मैं अपने घर पे होती तो, या वो लोग मेरे पास होते तो मुझे ये काम हरगिज़ नहीं करने देते, मतलब अभी तो बिल्कुल भी नहीं अभी खाने देते। और लेकिन और ना मेरे इन लॉज अगर होते तो वो लोग भी मुझे नहीं खाने देते, तो इसीलिए मैं अभी हूँ अकेले। तो अकेले का फ़ायदा उठाना कोई मुझसे सीखे, तो मुझे बस हो गया मन और बन गया फटाफट इधर मैगी। मैं आपको बता दूँ, मेरी मम्मी का अगर बस चल रहा होता ना, तो वो एक पैकेट मैगी में ना, हम 3 भाई बहन हैं तो हम तीनों को एक पैकेट मैगी में ही वो खाना मतलब खिला देती हमें। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? लेकिन अभी तो मैं हूँ अकेले यहाँ पे, तो एक पैकेट मैगी मैं अकेले ही खा लेती हूँ। मैं मतलब अपने हस्बैंड को भी नहीं देती, मतलब आप देख रहे हो मैगी खाने की खुशी, वो मेरे चेहरे पे झलक रही होगी, है ना, लग ही नहीं रहा होगा कि मैं सोकर उठी हूँ अभी, है ना, एकदम फ्रेश। खाने के बाद तो और भी हो जाऊंगी। ये देख लो भैया, मेरे मैगी रेडी है और मैं अब जा रही हूँ इसे खाने। मैंने कर लिया है अपना मैगी खत्म और ये मैगी का डिस्कशन मैं यहीं पे बंद करती हूँ, नहीं तो मेरी मम्मी अभी भी चुपके से मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देगी, मुझे डांटने के बजाय मुझे ऐसी सजा देगी। तो अभी बज चुके हैं शाम के 7, मतलब 7 बज रहे हैं और ये देख लो यहाँ अभी भी उजाला ही है, अंधेरा नहीं हुआ है। तो अब मतलब वो जो मैंने बरगद वाला प्लांट लाया था ना, उसे मैंने अब तक लगाया नहीं है, तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज उसे लगा ही दूँ। तो मैं ना अपने बालों को पहले क्लच कर लेती हूँ क्योंकि बहुत
अगर हाथ बात गंदा हो जाएगा तो बाल भी गंदे हो जाएंगे, मैं टच कर लूँगी उसी हाथों से, तो इसलिए 2 मिनट पहले मैं क्लच कर लूँ बाल को। हाँ तो अब सही है, चलो जल्दी से लगा लेती हूँ जल्दी से उस पौधे को गमले में, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा फिर। आ जाओ, चलो आ जाओ, अंधेरा हो रहा फिर, वहाँ का लाइट ऑन कर देना, लाइट ऑन कर दो बाहर का। तो शाम ढलने को है और आप ये देख रहे होंगे कि हमारा ये गार्डनिंग एरिया जो है ये कितना ही बड़ा है। ये इतना ही बड़ा स्पेस ना हमारे घर के चारों तरफ है, सिर्फ और सिर्फ गार्डनिंग के लिए ही। तो हमारे घर के ऊपर ही ना हमारी लैंडलॉर्ड रहती है, तो ये गार्डनिंग का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब उन्होंने ही ले रखा है। तो मॉर्निंग में वो जब भी सुबह उठती है ना, तो सबसे पहले अपने फ्लावर्स वगैरह जितने भी प्लांट्स उन्होंने लगा रखे हैं सबकी देखभाल करती है। क्योंकि मैं जब भी मॉर्निंग में उठ जाती हूँ जब कभी, तो उनको हमेशा देखती हूँ कि वो अपने प्लांट्स को की बहुत ही देखभाल करती रहती हैं। तो ये जो फ्लावर पॉट में मैं जो प्लांट लगा रही हूँ ना, ये भी मैंने उनसे ही ये बोरो किया था। क्योंकि जब उन्होंने देखा था कि मैं ये नया प्लांट लाई हूँ, तो वो मुझे बोली थी कि अगर तुम्हें ज़रूरत होगी फ्लावर पॉट की तो मुझे बोलना, क्योंकि उनके पास शायद फ्लावर पॉट मतलब एक्स्ट्रा होंगी, तो इसलिए उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था। तो मैं उनसे ही बोरो करी ये फ्लावर पॉट और आज उसी में ही मैं प्लांटिंग कर रही हूँ। आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितना सुंदर से मैंने प्लांटिंग कर दिया है। तो अब डेली सिर्फ और सिर्फ उसमें पानी डालना है और जल्दी जल्दी मेरा पौधा बड़ा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर जब वटसावित्री की पूजा होगी, मतलब जब आएगी, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होने वाली है, मतलब मेरा पौधा भी बड़ा हो चुका होगा तो कोई टेंशन नहीं होगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है ना कि मतलब हम लोग साउथ में रहते हैं, तो यहाँ पे ना ये वट का पेड़ मतलब बनियान ट्री बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा क्या मतलब बहुत रेयरली। यहाँ पे ज़्यादातर ना पीपल और नीम का, हाँ नीम और पीपल का पेड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बट ये वट का पेड़ बहुत मुश्किल से ही मिल पाता है। तो इसीलिए ना मतलब थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, हम बिहारियों के लिए। तो इसीलिए मैंने सोचा था इस बार कि चलो इस बार तो पेड़ ही मंगवा लेती हूँ, तो हर साल की ये टेंशन ही खत्म हो जाएगी। रुको आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, मतलब मेरे घर के बाहर में ना बहुत सारी छिपकलियाँ होती है, तो देखो ये कुछ अजूबा सा नज़ारा देखने को मिल रहा है, मैं आपको भी दिखाती हूँ एक मिनट। देख लो ये छोटी सी जो लिज़र्ड है मतलब छिपकली जो है, ये बड़ी वाली छिपकली जो उसकी मम्मी है शायद, देखो कैसे दबोच कर रखी है उसे, बोल रही होगी ये भी शायद कि मुझे मैगी खाना है, इसीलिए उसे देखो कैसे दबोच कर रखी है कि नहीं खाना है तुम्हें। ये देखो 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 रहा होगा, आई राम मुझे बहुत डर लगता है छिपकली से यार। ये ना हमारा बाहर साइड में, ये ना वॉशरूम में, मतलब साउथ में लोग बनाते हैं ना घर, तो यहाँ पे ना कितना भी चाहे छोटा घर हो चाहे कितना भी बड़ा घर हो, लोग ये बाहर में वॉशरूम ज़रूर एक देते हैं किसी ना किसी तरीके से, बाहर में तो ये कंस्ट्रक्ट कर ही लेते हैं, वॉशरूम के लिए जगह निकाल ही लेते हैं। तो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं मूवी इन्जॉय करने के लिए, तो अभी मोबाइल पे ही हम लोग, अभी थिएटर वगैरह तो जाना सेफ नहीं है, तो इसलिए हम लोग मोबाइल पे ही मूवी देख रहे हैं और हम दोनों ही आज बन गए हैं जुगाड़ू। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग किस तरीके से मूवी देख रहे हैं। ओके ये देखो ये देखो, देख लो देख लो, ये देखो ये है मेरा ट्राइपॉड, ये है मेरा ट्राइपॉड स्टैंड, और यहाँ पर ये देखो ये सेट कर दिया है मोबाइल, और इधर यहाँ पर लेट कर हम मोबाइल देख रहे हैं। दिस वे वी आर इंजॉइंग अवर मूवी इन लॉकडाउन। तो कैसा लगा आपको ये हमारा जुगाड़ू आइडिया, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके तो गाइज अभी हो चुका है मूवी के बीच में इंटरवल, तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। यार थिएटर में यही सब भी अच्छा होता है कि मतलब बनाना कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो घर पे मूवी देखने का मतलब यही होता है कि इंटरवल में जाओ खुद ही चाय बनाओ और खुद ही पियो, फिर बताना कौन करता है, लेकिन करना तो पड़ेगा यार उनके लिए चाय, खुद के लिए लेज वही कर लेती हूँ, या वेफर्स खा लेती हूँ, मेरे लिए बेटर होगा, चाय बना लेती हूँ वेफर्स खा लेती हूँ वही ठीक रहेगा। चलो जल्दी से निकालते हैं। आपको लेज चाहिए क्या, आपके लिए लेज लाएंगे क्या? तो उनको लेज नहीं खाना है, तो मैं अपने लिए वैसे से ले लेती हूँ। ये देखो मेरी चाय बन रही है, मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ, बस ये फटाफट से बनने ही वाली है, तो उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे मूवी।
मतलब अक्सर ना हम ऐसे ही करते हैं, मतलब वीकेंड पे ना हम ज़रूर कोई ना कोई मूवी या फिर कोई वेब सीरीज तो ज़रूर ही देखते हैं यार। मतलब मुझे उतना पर्सनली उतना पसंद नहीं है मूवी वगैरह, मतलब मुझ में ना इतना पेशेंस ही नहीं है यार कि मतलब 2-2.5 घंटे बैठकर इतना ज़्यादा टॉलरेट करूँ। बट हाँ, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तो वो देखते हैं, तो मैं भी साथ में चली जाती हूँ देखें। तो इसलिए बस घर पर अभी जब तक हैं तब तक इन्जॉय कर रहे हैं, फिर तो थिएटर खुलेगा तो मज़ा ही मज़ा है। तो मैं वापस आ चुकी हूँ अपने रूम में मूवी कंटिन्यू करने के लिए। या आपका चाय ठंडा हो रहा है, पी लो जल्दी पानी बॉटल। तो बस अब हम लोग अपनी मूवी को जल्दी कंटिन्यू करने वाले हैं। ऐसा वीकेंड तो कितना ही मज़ा आया ना। तो गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही, आपसे मैं